सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल गोविंद केमिस्ट्री। और आज हम हाजिर हैं लेक्चर नंबर 21 के साथ में। और हमने जैसा कि बताया था कि ये नेमिंग रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट है, तो उसी के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। और क्या रिएक्शन है? रिएक्शन है राइमर थीमेन। रिएक्शन सो राइमर थीमेन रिएक्शन के साथ आज दिन की शुरुआत करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा से मैं भी बहुत ही स्वस्थ हूं। तो राइमर थीमेन रिएक्शन में क्या होगा बेटा? हमें लेना पड़ेगा फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म से CHCl3। यहाँ पे हमने NaOH यूज़ किया है, एक्वस। तो यहाँ से हमें एक इंटरमीडिएट स्पीसी मिलती है। क्या इंटरमीडिएट स्पीसी मिलती है हमको? ये O- Na+ CHCl2। जैसा NCERT में लिखा है वैसे ही बता रहा हूँ, मैकेनिज्म तो बताता ही हूँ मैं। NaOH, तो यहाँ से फिर से एक NaOH लगाया हमने। और NaOH लगाने के बाद ये O- Na+ सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। और उसके बाद में एसिड लगाने के बाद हमारा क्या बन जाता है? ये स्पीसी बनती है, ये OH और ये CHO। यहाँ पे भी CHO। क्या नाम है इसका? इसका नाम है 2-hydroxy। अच्छा, 2-hydroxy क्यों है बेटा? क्योंकि यहाँ पे ये वाला मेन ग्रुप है और ये वाला सेकेंडरी ग्रुप है। सो 2-hydroxy बेंजल्डिहाइड। और जो कॉमन नेम है वो है सैलिसिल। ठीक है, ये तो हो गया इसकी कहानी। अगर आप एक बार में लिखना चाहें रिएक्शन को तब भी लिख सकते हैं। कैसे देखेंगे? इन अ नटसेल, सो फिनॉल फिनॉल के साथ में क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH और सैलिसिलेल्डिहाइड बन जाए। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो ये तो रिएक्शन थी, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं राइमर थीमेन रिएक्शन। राइमर थीमेन रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म आ जाता है, इसको हटा देते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही क्या है? इम्पॉर्टेंट, तो ध्यान से समझना। ये है हमारा इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहली स्टेप में हमने लेना है फिनॉल। क्या लेना है? आपका चिर परिचित फिनॉल ले लिया। फिनॉल को रिएक्शन कराना है NaOH से। NaOH का काम है OH- देना। ये OH- क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको अप्रोच करेगा।
तो यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा और जो आपका स्पीसी है ये देखिए O माइनस फिनॉक्साइड आयन, क्या है फिनॉक्साइड आयन, ये बनके तैयार हो गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, साइड में, शॉर्ट में नहीं साइड में, ये जो आपका CHCl3 है क्या है यहाँ पे देखो, तो उसको ऐसे लिखो, ये देखो 3 Cl है, इसको लगा दो, यहाँ भी एक NaOH आएगा, तो यहाँ से OH माइनस इसको अप्रोच करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो क्या बन जाएगा कार्बन के पास आ जाएगा लोन पेयर नेगेटिव चार्ज और 3 क्लोरीन इसके साथ में लगे हुए। अब नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, बर्दाश्त नहीं होगा इसे, तो ये क्या करेगा क्लोरीन यहाँ से कोई भी एक क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और Cl माइनस के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या बचेगा Cl और इसके साथ में लोन पेयर। अब देखो ये जो स्पीसी बनी है बेटा इसको बोलते हैं डाइक्लोरो कार्बिन, डाइक्लोरो कार्बिन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी वजह से ये स्पीसी कैसी है बेटा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, कैसी है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। और जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो यहीं पे ये जो स्पीसी है तुम्हारी यही इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी, ठीक। अब तुम्हारे पास फिनॉक्साइड आयन है Cl2C, तो फिनॉक्साइड आयन। अब एक चीज़ और बता देता हूँ बहुत मज़ेदार, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है तो फिनॉक्साइड आयन को इस नेगेटिव चार्ज को अप्रोच करना चाहिए लेकिन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है बोलो, क्यों नहीं करता है हमें क्या पता, इसलिए नहीं करता है चूँकि जो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर है वो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर अगर आप बात करें तो O माइनस इज वीक न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू C-, C- इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है एज कंपेयर टू O-। सो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरेंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और ये इलेक्ट्रोफाइल इस वाले कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा बंधु, कुछ इस तरह से कहानी हुई, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे सी और Cl2 और यहाँ पे लगा हुआ है एक हाइड्रोजन, चूँकि हर कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है और कार्बन के पास है नेगेटिव चार्ज, फिर से कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, फिर से क्या होगा हाइड्रोजन इसके साथ आके जुड़ेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे, तो क्या होगा देखो, तो फिर से जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे जो कि बर्दाश्त नहीं होगा कार्बन को, फिर से इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये ऑक्सीजन माइनस यहाँ पे सी Cl और 1H। अब नेक्स्ट स्टेप में 2NaOH, 2NaOH क्या करेगा दोनों Na ये दोनों Cl को लेगा, सो 2NaCl को बाहर करेगा और यहाँ पे
यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ लगाइए। कार्बन पे आ गए दो एल्कोहल ग्रुप और जिससे कि स्पीसी हो गई अनस्टेबल। कार्बन पे आ गए दो OH ग्रुप, अगर कार्बन पे दो OH ग्रुप आ जाते हैं तो हो जाता है अनस्टेबल। उस कंडीशन में यहाँ से पानी निकलता है, ये देखो पानी निकाल दो, काम बन रहा है धीरे धीरे। क्या बचा? CHO, यही तो चाहिए था तुम्हें, यहाँ पे CHO। अब क्या भैया, अब तो बहुत आसान है, एसिड लाओ और जोड़ दो और सैलिसिल एल्डिहाइड बना लो। ये इसकी पूरी मैकेनिज्म है। फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार आप समझ लें। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया फिनॉल, फिनॉल का रिएक्शन कराया NaOH से तो हमारा बन गया फिनॉक्साइड आयन, बहुत बार बनाया। फिर ये जो CHCl3 क्लोरोफॉर्म है ये भी NaOH से रिएक्शन करेगा और ये एक इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा डाईक्लोरोकार्बीन। डाईक्लोरोकार्बीन इस फिनॉक्साइड आयन को अप्रोच करेगा कार्बन पे, ऑक्सीजन पे क्यों नहीं, क्योंकि ये हमने बताया है कि कार्बन गुड न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। फिर हमारा बनेगा, जैसे ही अप्रोच करेगा तो डबल जो ये वाली स्पीसी बनेगी, ठीक है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, फिर कार्बन का नेगेटिव चार्ज फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा आके, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन फिर से अपनी जगह पर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ये वाले फिर से वापस चले जाएंगे। फिर से दो NaOH लाएंगे, ये दो Cl हटेंगे, इनकी जगह पर OH जुड़ेगा, फिर पानी हटाएंगे और फिर सब्सटेंस तुम्हारा बन जाएगा। तो ये हो गई तुम्हारी रिएक्शन। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि ऑर्थो प्रोडक्ट ही क्यों बनता है। सो क्वेश्चन इज व्हाई ओनली ऑर्थो प्रोडक्ट फॉर्म नॉट पैरा। तो देखो ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि ये जो स्पीसी है ये देखो तो इनके बीच में होता है क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से ये स्पीसी ज़्यादा स्टेबलाइज होती है एज़ कंपेयर टू पैरा। तो इसीलिए ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट बनता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट ऑर्थो पोजिशन। तो एक तो ये रीज़न हो गया, दूसरा आप कह सकते हो, ये तो हो गया फर्स्ट रीज़न। दूसरा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, दूसरा मैं बता रहा हूँ कि ये जो फिनॉक्साइड आयन है तुम्हारा, ये O माइनस, तो ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है बेटा, प्लस M और प्लस I। तो प्लस एम इफेक्ट, मैं लिख नहीं रहा हूँ बता रहा हूँ, प्लस एम इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस स्पेशली ऑर्थो और पैरा पे। बट आपको पता है कि जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। अगर पैरा पे लगाओगे
तो प्रेशर इफेक्ट ज़्यादा कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो जब ऑर्थो पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी प्लस आई इफेक्ट की वजह से, सो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो, ठीक है भाई। तो प्लस आई इफेक्ट, देखो प्लस एम इफेक्ट की वजह से सेम, मतलब ऑर्थो और पैरा पर सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट डिस्टेंस के साथ घटता है तो ऑर्थो पे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पैरा पे कम होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। एक क्वेश्चन है छोटा सा कि ये देखिए, ये OH लगा हुआ है यहाँ पे, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है CHCl3 और NaOH से। तो CHCl3 और NaOH से रिएक्शन करने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है दूसरा, और तो बेटा इस कंडीशन में ये वाला ऑप्शन सही है, फोर्थ, ठीक है। देखो तो अगर आप सोचो कि ये ऑर्थो पोजीशन वैकेंट है, ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, ठीक। मेटा प्रोडक्ट नॉट पॉसिबल, तो क्या बनेगा? पैरा ही बनेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन ऑर्थो पोजीशन इज प्री ऑक्यूपाइड, मैं बता रहा हूँ आप सुन ले, मैं लिखूँगा नहीं। व्हेन ऑर्थो पोजीशन इज प्री ऑक्यूपाइड देन पैरा सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड। स्टेरिक, अब ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होगा? चूंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो रिपल्सन होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से पैरा सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। व्हेन ऑर्थो पोजीशन इज प्री ऑक्यूपाइड देन पैरा सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस, ओके, दिस इज ऑल। नाउ द लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस फिनॉल सेगमेंट, फिनॉल हमारा कंप्लीट होने वाला है, वीडियो की लेंथ भी 19 मिनट की हो चुकी है। तो कोल्ब्स रिएक्शन, इसके बाद 22 नंबर के वीडियो में हम पूरा प्रिपरेशन फिनॉल इथर का ख़त्म करेंगे और एक ही वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टी कराने का कोशिश करूंगा। सो कोल्ब्स रिएक्शन क्या कहती है हमसे? कोल्ब्स रिएक्शन में हमें कहने सुनने को देखने को मिलता है कि ये आपका फिनॉल है, इसका रिएक्शन आपको कराना है NaOH से, तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, उसके बाद में इसका रिएक्शन होता है CO2 से और एसिडिक मीडियम, देन ये स्पीसी बनती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? सैलिसिलिक एसिड, और बोलते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब देखो इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, यहाँ से
क्या करना है तुम्हें, NaOH वाटर बाहर करना है और फिनॉक्साइड आयन को बनाना है। फिनॉक्साइड आयन जैसे ही बनाओगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसे अप्रोच करेगा तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होंगे। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा बेटा, ये बॉन्ड एज इट इज, सॉरी एक गलती कर दी हमने, जो पहले बताया था कि कार्बन ज़्यादा तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और ये वाला यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ माइनस एन वन हाइड्रोजन। अब माइनस चार्ज है ऑक्सीजन पे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से अपनी पोजीशन में वापस आएंगे और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो ये ओ माइनस हो जाएगा, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच। अब क्या है बंधु, अब तो एच प्लस ले आओ और आपका सब्सटेंस बन के तैयार हो गया। ये इसकी मैकेनिज्म है। अच्छा, यहाँ पे भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे होती है सर, ऐसे होती है, देखो ये सी तो इनके बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन है, फिनॉल अगर रिएक्शन करता है जिंक डस्ट से तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ये हमने बेंजीन में भी पढ़ा है और यहाँ भी बता दिया। तो इसी के साथ हमारा फिनॉल टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसके साथ में, ईथर के साथ में। सो थैंक यू, देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।